बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं खट्टी मिर्चें, जिसके लिए हमने साबुत मिर्चें ली हैं एक पाव, नींबू 5 से 6 अदद इस्तेमाल होंगे, धनिया, साबुत कुटा हुआ मसाला, धनिया है जो साबुत, और इसमें थोड़ा सा हमने अनारदाना मिक्स किया हुआ, इसको पीस लिया है, सूखा धनिया, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और ये थोड़ा सा नींबू का इमली का रस है, और मोटी मिर्च है, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल फ्राई के लिए घी इस्तेमाल करेंगे। आप ऑयल भी कर सकते हैं, हम लोग घी इस्तेमाल करें। सबसे पहले बड़ी मिर्चें लेंगे, उसको यूं करके टक लगा लेंगे, ये देखिए। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेंगे जो इसके अंदर हमने भरना है। अनारदाना और सूखा धनिया साबुत पीसा हुआ है, इसके हमने 2 चम्मच डाल लेने हैं, 1 चम्मच मोटी मिर्च, इसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, 1/2 चम्मच सूखा धनिया, हल्दी, थोड़ी सी मिर्चें, और 1/2 टीस्पून नमक, काली मिर्च, ये मिक्स हो गया। अब नींबू का रस इसमें हम ज़्यादा से करेंगे, अब ये 5 नींबुओं का रस है जो इसमें हम मिक्स करेंगे। और इमली हमने भी भिगो कर रख ली थी, को हमें हाथ से ही फीलिंग करनी पड़ेगी इस तरह करके, इसको अच्छी तरह से डालना है, ये देखिए। हरी मिर्चें जितनी बड़ी होंगी उतनी आपको आसानी भी होगी और अच्छी भी लगेंगी, और खाने में भी ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। कढ़ाई के नीचे हमने आग जला ली है, थोड़ा सा इस पे हम घी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, हमने ये 2 चम्मच। अब इसमें हम इसको हरी मिर्चों को डाल देंगे, देखें हमारी मिर्चें कितनी अच्छी फ्राई हो रही है। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर देंगे इस तरह से, देखें इसको आप बना के डब्बी में बंद करके रख सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं खाने के साथ, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं।
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शुक्रिया। ये बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश में निकाल के या सर्व कर सकते हैं या आप डब्बे में डाल के रख सकते हैं। शुक्रिया।